हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं ओशनोग्राफी, और लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर की। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम टेम्परेचर वाली क्लास को पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो उसी में आज हम लोग देखेंगे। हम लोग बात किए थे टेम्परेचर में उसके हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें हमने देखा था आइसोथर्म के बारे में, आइसोथर्म के बारे में देखा था, ठीक है। तो वहीं से आज हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आइसोथर्म क्या होता है, यानी पुनः एक बार देखते हैं कि जो टेम्परेचर है, जो ओशन में टेम्परेचर है, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो जब हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले कारक में, तो हमने देखा था कि जैसे इक्वेटर से, यानी जो 0 डिग्री है, उसे हाई लेटिट्यूड की तरफ जाते हैं, तो तापमान क्या होता है, सागरों का कम होता जाता है, क्योंकि जो इंसुलेशन की मात्रा है वो लगातार हाई लेटिट्यूड पर कम होती जाती है, ठीक है। इसीलिए अगर एक लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए, जनरल वे में कहा जाए, तो सागरों का जो तापमान है, अन्य कारक अगर प्रभावित नहीं करते हैं, उसको सामान्य मान लिया जाए, तो 0 डिग्री से जैसे जैसे हम हाई लेटिट्यूड यानी 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, तो तापमान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं आइसोथर्म की। आइसोथर्म बेसिकली क्या होता है, आइसोथर्म उसे कहते हैं, यानी समान तापमान को मिलाने वाली जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। तो जो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे विश्व पे तापमान के वितरण को दिखाने के लिए इसी आइसोथर्म का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसी आइसोथर्म का प्रयोग करते हैं, और 2 महीना, एक जुलाई और आइसो, जो क्या करते हैं कि आइसोथर्म खींचने के लिए हम क्या करते हैं, तापमान का रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं। क्योंकि एक बार बात किया जाए नॉर्थ हेमोस्फेयर की बात किया जाए, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जुलाई में अधिकतम तापमान होगा और जनवरी में क्या होगा, न्यूनतम तापमान। साउथ हेमिस्फीयर में जनवरी में ज्यादा तापमान होगा और जुलाई में सबसे कम तापमान होगा। इसीलिए पूरे विश्व में क्या करते हैं, जो तापमान को दिखाने के लिए जुलाई और जनवरी के महीने को क्या मान लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं, यानी प्रतिनिधित्व मान लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें यहाँ से क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा, उसी क्वेश्चन के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बात कर रहे हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर की। पहले हम क्या करेंगे, बात करेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में हम बात करेंगे पहले जुलाई के महीने में। क्या बात करेंगे, जुलाई के महीने में, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। जुलाई के महीने में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा। उत्तरी गोलार्ध में लगभग, ठीक है, जून जुलाई, ये लगभग 20 डिग्री के आसपास होगा, यानी यहाँ पर ये लंबवत होगा, 20 डिग्री के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर ये लंबवत होगा। आइसोथर्म क्या है, आइसोथर्म पहली बात ये जानिए, ठीक है, कि जब खींचा जाने लगा पूरे वर्ल्ड पे, यानी मानचित्र पर, तो एक समस्या उत्पन्न हुई। समस्या क्या होती, आप जो है इसके जो लैंड है और सरफेस के जो है टेम्परेचर, जो सरफेस और लैंड का नेचर है, ठीक है, यानी उसकी विशिष्ट ऊष्मा के आधार पर, या जो और भी नेचर आपको बताया गया था उसके आधार पर, आप ये जानते हैं कि दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग होता था, जो है तापमान के संदर्भ में होता क्या है कि जो आपका जो महासागरीय भाग होते हैं, यानी जो जलीय भाग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उनकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है, यानी वो जल्दी ज्यादा देर से गर्म होते हैं और ज्यादा देर से ठंडे होते हैं। लेकिन आपका जो स्थलीय भाग होते हैं, वो तुरंत गर्म होते हैं, तुरंत क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। तो जब खींचा जाने लगा तो प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे सागर है, ये मान लीजिए क्या है, 30 डिग्री की समताप रेखा आ रही है सागर पर, ठीक है। तो जब यहाँ से स्टार्ट किया गया और स्थल पे ले जाया गया, तो आपको पता है आइसोथर्म क्या है, वो समान तापमान को मिलाने वाली रेखा होगी। लेकिन जब ये स्थलीय भाग पर ले जाया गया, तो मान लीजिए इसके सामने आ गया माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट से इसको गुजारेंगे तो पता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, तो वहां पर तापमान माइनस हो जाएगा। तो अब ये माइनस तापमान कहां इनको मिलेगा, क्योंकि इनका तो खींचना है 30 डिग्री का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अब क्या किया कि जो स्थलीय भाग पे जो है, स्थलीय भाग के जो तापमान है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, सागरीय भाग के तापमान को में क्या कर दिया, बदल दिया। ये मान लिया कि जो 30 डिग्री है वो इसके आसपास रहेगा, यानी जहां पर अगर आपका हिमालय पड़ता है, तो हिमालय के आसपास कहीं मान लिया गया कि तापमान 30 डिग्री का है, ठीक है। एक्चुअल में वो तापमान है नहीं वहां, क्योंकि उसको किससे बदला गया है, सागरीय जल के तापमान में। एक बात ये याद रखना है,
दूसरी बात आप ये देखिए कि अगर 30 डिग्री के आइसोथर्म ऐसे अगर सीधी खींचा जाए तो भी नहीं खींच सकते हो, क्योंकि अगर इस अक्षांश पर मान लीजिए कोई अक्षांश है, इस अक्षांश पर अगर सागर का तापमान 30 डिग्री है और आपको पता है सूर्य उत्तरायण है, तो क्या होगा कि जो आपका स्थलीय भाग है वो जलीय भाग की तुलना में ज्यादा गर्म होगा। यानी अगर इसको सीधा खींचा जाए तो अगर यहाँ पर तापमान 30 डिग्री है जिस भी अक्षांश की बात की जाए, तो सेम अक्षांश पर स्थलीय भाग का तापमान कम से कम क्या होगा 35 से 40 डिग्री, ठीक है, इतना तापमान फ्लक्चुएट करता है स्थल और सागर पर। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसीलिए क्या होगा कि जब हम 30 डिग्री के आइसोथर्म खींचेंगे और जैसे ही कहाँ पहुंचेंगे स्थलीय भाग पे पहुंचेंगे, तो सूर्य आपको पता है कहां पर है, उत्तरी भाग में लंबो चमक रहा है, तो ये 30 डिग्री को ही खोजेगा, तो 30 डिग्री किधर मिलेगा, अगर दक्षिण में आओगे तो दक्षिण में तापमान क्या होगा, सूर्य दक्षिणायन है, दक्षिण में तापमान ज्यादा होगा। यानी इसको 30 डिग्री प्राप्त करने के लिए किधर घूमना पड़ेगा, ध्रुव की तरफ घूमना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण में तापमान और ज्यादा है, और यहाँ पर अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने खींचोगे तो ज्यादा हो जाएगा, नीचे खींचोगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो किधर मूव करेगा, उत्तर की तरफ यानी ध्रुव की तरफ। तो जैसे ही सागर से जैसे देखिए स्थलीय भाग पे आते हैं, आपकी आइसोथर्म किधर मुड़ जाती है, ध्रुव की तरफ मुड़ जाती है। सेम देखिए 10 डिग्री के क्या है, आइसोथर्म है, 10 डिग्री के आइसोथर्म है, तो 10 डिग्री साउथ में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि साउथ में तापमान ऑलरेडी ज्यादा होगा, सामने भी नहीं मिलेगा क्योंकि सामने भी ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे स्थलीय जलीय भाग से स्थलीय भाग पे आएंगे तो यहाँ का तापमान ज्यादा होगा, क्योंकि सूर्य क्या है, उत्तरायण है। तो ये भी देखिए कि जैसे भी ये जलीय भाग पे जा रहा है और जैसे नॉर्वे में पहुंचा तो इसको नीचे नहीं आया, ना सीधे गया, बल्कि घर मुड़ गया, ध्रुवों की तरफ मुड़ गया। तो यहाँ से एक सामान्य बात ये निकल के आई कि जुलाई के महीने में उत्तरी गोलार्ध में जब आइसोथर्म खींचेंगे तो जैसे ये स्थलीय भाग पे जलीय भाग की तरफ जाता है, ये किधर मुड़ जाता है, ध्रुवों की तरफ। स्टेटमेंट के रूप में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ये पक्का है, इस बार यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, एकदम तय बात है, ठीक है। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के महीने में, वहीं पर उत्तरी गोलार्ध में अगर हम सॉरी जुलाई के महीने में यहाँ पर बात हो गई। अब यहाँ हम देख लेते हैं एक बार जनवरी के महीने में, जनवरी में सूर्य कहाँ होगा, दक्षिणायन होगा, यानी इक्वेटर, ये क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर में होगा, कहाँ पर होगा, साउथ हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप 10 डिग्री के आइसोथर्म खींचना चाहते हैं, ठीक है, तो ये 10 डिग्री अगर आपका कहां पर है, सागर पर है, सूर्य दक्षिणायन है, तो ये इसके सीध में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सीध में स्थलीय भाग पर अगर यहाँ 10 डिग्री है तो यहाँ पर कितना होगा, लगभग 7 डिग्री या 8 डिग्री, उससे कम होगा, क्योंकि ये अगर सरफेस है तो वो क्या होगा, ज्यादा ठंडा होगा, किसकी तुलना में, आपके सागर की तुलना में, क्योंकि सूर्य कहाँ है, जनवरी में, साउथ हेमिस्फीयर में है, इसीलिए क्या होगा, सीधे नहीं जाएगा। और 10 डिग्री तापमान है, ठीक है, उत्तर में जा नहीं सकता है, क्योंकि उत्तर में ऑलरेडी तापमान क्या होगा और कम होगा, तो ये 10 डिग्री खोजते हुए किधर मुड़ेगा, ये जैसे स्थल पे आओगे ध्रुवों की ओर मुड़ेगा, क्योंकि सूर्य कहाँ है, सूर्य की तरफ ही हमेशा आकर्षित होती है क्या आपकी, ये ठीक है। तो ये जब ये जनवरी की बात किया जाएगा तो सूर्य यहाँ पर है तो तापमान कहाँ ज्यादा होगा, दक्षिण में ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, तो 10 डिग्री किधर, तो इधर ही तो मुड़ेगा, किधर, आपके इक्वेटर के साइड में, यानी जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं जैसे ही महासागरों से स्थलीय भाग में आएंगी वो किधर मुड़ जाएंगी, वो आपके इक्वेटर की तरफ मुड़ जाएंगी। यही स्टेटमेंट आपको कहां पर मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा, कि जनवरी में जैसे ही आइसोथर्म होता है सागरीय भाग से स्थलीय भाग पे आता है तो जनवरी के महीने में कहां मुड़ जाता है, ध्रुवों की तरफ, की इक्वेटर की तरफ, और जुलाई के महीने में कहां मुड़ जाता है। इसलिए इसको आपको याद रखना है कि जुलाई के महीने में कहां मुड़ जाएगा, ध्रुवों की तरफ, और जनवरी के महीने में इक्वेटर की तरफ मुड़ जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, और ये पॉइंट याद रखना है कि जो आइसोथर्म होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लगभग लगभग क्या होता है, पैरेलल होता है किसके, अक्षांशों के, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जो है लैंड और सरफेस के जो है वितरण में असमानता के कारण काफी क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, काफी क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि अगर आइसोथर्म बहुत पास पास है तो इसका तापमान यानी तापीय प्रवणता क्या है, बहुत ज्यादा है। तापीय प्रवणता का मतलब क्या है कि दो स्थानों के बीच में जो तापमान का वेरिएशन है वो बहुत क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और अगर आइसोथर्म दूर दूर है तो तापीय प्रवणता क्या है, ठीक है, तापीय प्रवणता क्या है, बहुत ही कम है, यानी वहां पर तापमान की भिन्नता बहुत ही कम है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट याद ये रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये आइसोथर्म मैप जो है किसानों के लिए कितना फायदेमंद है, तो किसानों के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, क्योंकि हम मान लिए कि ये जो 25 डिग्री आपकी आइसोथर्म जा रही है, यहाँ का तापमान हमने, ये सहारा मरुस्थल है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है किसान लोग पूछे कि जो आइसोथर्म खींचा गया है कि यहाँ का तापमान 25 डिग्री है,
है, तो क्या ये एक्चुअल तापमान है? एक्चुअल तापमान नहीं है उस स्थान का, क्योंकि ये सागर के स्थान तापमान से इसको कन्वर्ट किया गया है। तो ये किसी भी स्थान के वास्तविक तापमान को नहीं बताता है, इसलिए हमको खेती करने के लिए क्या चाहिए? उस स्थान विशेष का तापमान चाहिए, ठीक है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, खेती करने वाले हैं। इसीलिए ये मैप क्या होता है, किसानों के लिए फायदेमंद नहीं होता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है, ये चार पॉइंट यानी यहाँ से क्वेश्चन इस बार बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये ज्यादा क्या हो जाता है, कंसेप्चुअल हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको जो बताए गए हैं उसको याद कर लेना है। अब आइए बात करते हैं तापमान के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, तापमान के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि ये पॉइंट भी एग्जाम के लिए काफी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर, यानी सर्फेस से जैसे नीचे यानी धरातल की, यानी ये आपका क्या है, ओशन है, तो ओशन में जैसे हम अपर लेयर से धरातल की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या परिवर्तन आता है, इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखा गया कि जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो तापमान में हमें क्या मिलती है, काफी भिन्नता मिलती है जोन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, जोन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तापमान में क्या मिलता है, काफी भिन्नता मिलती है, यानी इक्वेटर पे जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो तापमान में परिवर्तन का दर अलग होता है, लेकिन ध्रुवों पर अगर हम सर पे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तापमान में परिवर्तन का दर कुछ दूसरा होता है, ठीक है। जैसे जो सबसे जो महासागरों के तापमान की सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको बोलते हैं सरफेस लेयर। सरफेस लेयर की गहराई कितनी होती है, अगर ऊपर से देखा जाए सतह से लेकर, तो ये लगभग कहीं कहीं पर 300 मीटर मिलता है और कहीं कहीं पर 500 मीटर। यानी अगर ये वाली लेयर देखा जाए तो ये सरफेस की सबसे ऊपरी लेयर है, ठीक है। यहाँ पर तापमान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर तापमान देखिए लगभग ये 20 से 22 यानी ये 22 डिग्री के आसपास तापमान होता है, इसको बोलते हैं सरफेस लेयर या ऊपरी सतह। दूसरी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन परत, क्या होती है, थर्मोक्लाइन लेयर। इसकी जो गहराई होती है वो 300 से 1000 मीटर तक होती है। यानी मान लीजिए इक्वेटर की बात कर रहे हैं अभी हम, इक्वेटर पर सबसे ऊपरी लेयर हो गया, ऊपरी लेयर का तापमान सबसे ज्यादा होता है, और जो दूसरा 300 से 1000 मीटर तक की लेयर होती है यानी गहराई में, वहां पर तापमान देखिए, यहाँ पर तापमान 20 डिग्री है और अचानक से 1000 मीटर तक यानी 300 मीटर तक तापमान आपका कितना था, 20 डिग्री, अब जैसे आप पहुंचे 1000 मीटर पे तापमान घटकर कितना हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यानी 300 से लेकर 1000 तक की जो गहराई है वहां पर तापमान में बहुत के साथ परिवर्तन होता है, यानी कमी आती है, उस लेयर को बोलते हैं थर्मोक्लाइन लेयर। क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन लेयर। थर्मोक्लाइन लेयर क्या है, 300 से 1000 मीटर की गहराई में जो तापमान होता है तेजी के साथ गिरता है, उसी को क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन परत बोलते हैं, ठीक है। तीसरा लेयर जो होता है जो 1000 मीटर से नीचे होता है, यहाँ पर देखिए तापमान लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है, और ये स्थिति पूरे महासागरों में क्या होती है, पाई जाती है। यानी 1000 मीटर के बाद किसी भी सागर में, चाहे आप 0 डिग्री पर रहें या 60 डिग्री पर चले जाएं या 90 डिग्री पर चले जाएं, तो ये तापमान क्या होता है, लगभग लगभग क्या होता है, सेम होता है, कितना, 1000 मीटर के नीचे सागरों में जाने पर। ये बात रही आपके इक्वेटर की तरफ, ठीक है, यहाँ पर बात रही इक्वेटर की ओर रही। लेकिन अगर तापमान में ही बात किया जाए कहाँ पर, यही तो ये होता है, ये तीनों लेयर वहां पर डेवलप नहीं हो पाती, यानी जो सरफेस लेयर है, टेम्परेचर थर्मोक्लाइन है और लोअर लेयर है, लगभग लगभग वहां पर क्या पाया जाता है, थोड़ा बहुत मात्रा में कहीं कहीं पर पाया जाता है, यानी जाता है, तो वहां का जो सरफेस से तापमान है, नहीं सरफेस लेयर तो रहता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरी लेयर है वहां का तापमान इतना तेजी के साथ नहीं गिरता है जितना कि आपका इक्वेटर के साथ गिरता है, ठीक है। वहां पर तापमान लगभग लगभग 0 ऊपर ऊपरी लेयर से लेकर जो ये निचला भाग होता है क्या होता है, एक समान होता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो थर्मोक्लाइन लेयर है इसका तापमान ध्रुव, जो अगर ध्रुवों की ओर देखें तो ध्रुवीय क्षेत्रों में थर्मोक्लाइन तो कहीं पर पाया ही नहीं जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर जो पाया जाता है तो वहां पर तापमान इतना तेजी से नहीं गिरता है जितना कि आपने देखा कि बीच से तुरंत क्या हो गया, जो पोलर रीजन है वो 4 डिग्री पहुंच गया, क्योंकि जो पोलर एरिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फरी जो आपका इक्वेटर एरिया होता है, विषुवती रेखीय क्षेत्र होता है, वहां पर तापमान ज्यादा मिलता है,
है, ज्यादा मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पर तापमान 30 डिग्री है ऊपरी लेयर में, तो थोड़ा सा 500 मीटर नीचे आएंगे, जैसे तापमान आपका क्या हो जाएगा, तुरंत 10 डिग्री हो जाएगा। तो इसके बीच का फ्लक्चुएशन कितना है, 10 डिग्री का अंतर है। इसीलिए जो थर्मोक्लाइन है बहुत तेजी के साथ क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है, ठीक है, यानी बहुत तापमान कम हो जाता है। तो ये आपका क्या रहा, ये आपका तापमान का क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तीनों लेयर आप जानिएगा, तापमान इक्वेटर पर ज्यादा तेजी से क्यों घटता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान लगभग लगभग ऊपरी सतह से निचली सतह तक एक जैसा होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आइसोथर्म से, और यहाँ से जो भी पॉइंट आपको बताया गया है, किसानों वाला पॉइंट जो आपको बताया गया है, या आइसोथर्म पास पास रहेंगे तो यानी तापीय प्रवणता ज्यादा है, यानी वहां पर तापीय भिन्नता ज्यादा है, ठीक है। ये देखिए जहां पर ताप जो आप अगर ऐसे ऐसे थर्मोक्लाइन है, ठीक है, सॉरी अगर आपका आइसोथर्म ऐसे ऐसे बनी बहुत पास पास में है, कहां पर ये पैरेलल रहता है अक्षांशों के, कहां पर ये फ्लक्चुएट करता है, ये सारे पॉइंट आपको यूजीसी जैसे एग्जाम में आने वाला जो एग्जाम है, यहां पर स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा आपसे। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि आइसोथर्म क्या होता है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि समान तापमान को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोथर्म कहते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के महीने में आइसोथर्म की कंडीशन क्या होगी, कहाँ पर मुड़ेगी, और जुलाई के महीने में कहाँ पर मुड़ेगी, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।